बार बार वो फोन करता है, बार बार वो कुछ ना कुछ कहता है, बार बार वो लोग आते हैं, बार बार वो पूछती है। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बार बार। इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एवरी नो एंड देन। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं, सेंटेंस प्लस एवरी नो एंड देन। सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा, एवरी नो एंड देन ये वही के वही रहेगा, विच मीन बार बार। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। बार बार वो फोन करता है, ही कॉल्स एवरी नो एंड देन, ही कॉल्स एवरी नो एंड देन। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हमने स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। ही कॉल्स मीन वो फोन करता है, एवरी नो एंड देन मीन बार बार। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, वो बार बार कुछ ना कुछ कहता है, ही ईट्स समथिंग और द अदर एवरी नो एंड देन, ही ईट्स समथिंग और द अदर एवरी नो एंड देन। ही ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है, दैट मीन वो जो थर्ड पर्सन के लिए यूज होता है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बार बार वो लोग आते हैं, दे कम एवरी नो एंड देन, दे कम एवरी नो एंड देन। दे ये भी सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो प्लूरल के लिए यूज होता है, वो प्लूरल कम, ये वी वन है यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, विच मीन आना, एवरी नो एंड देन मीन बार बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बार बार वो पूछती है, शी आस्क्स एवरी नो एंड देन, शी आस्क्स एवरी नो एंड देन। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बार बार तुम कहाँ जाते हो, वेयर डू यू गो एवरी नो एंड देन, वेयर डू यू गो एवरी नो एंड देन। अब ये सवाल या फेंक रहा है यानी इंटरोगेटिव सेंटेंस है, वेयर डू यू गो एवरी नो एंड देन, बार बार तुम कहाँ जाते हो। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, बार बार मैं जागता हूँ, आई वेक अप एवरी नो एंड देन, आई वेक अप एवरी नो एंड देन। आइए ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है जो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है, विच मीन मैं वेक अप मीन जागना, एवरी नो एंड देन मीन बार बार। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना, वो बार बार सोता है, वो बार बार सोता है। सच मेहनत करो, कहीं ऐसा न हो कि तुम फेल हो जाओ, एहतियात से चलो, कहीं ऐसा न हो कि तुम गिर जाओ, चुप रहो, कहीं ऐसा न हो कि वो सुन ले, कहीं ऐसा न हो कि वो मर जाए। इन जुमलों में हम कह रहे हैं कहीं ऐसा न हो। इसके लिए आपको यूज करना होगा इंग्लिश में लेस्ट शुड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं, सेंटेंस प्लस लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शूट प्लस वी वन यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस अदर वर्ड्स। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मेहनत करो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम फेल हो जाओ, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। वर्क हार्ड मीन मेहनत करो, एहतियात से चलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम गिर जाओ, वो केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन, वो केयरफुली लेस्ट यू शुड फॉल डाउन। बिल्कुल स्ट्रक्चर को हमने फॉलो किया, वो केयरफुली मीन एहतियात से चलो। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, चुप रहो, कहीं ऐसा न हो कि वो सुन ले, कीप क्वाइट लेस्ट ही शुड हियर, कीप क्वाइट लेस्ट ही शुड हियर। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, कहीं ऐसा न हो कि वो मर जाए, लेस्ट ही शुड डाई, लेस्ट ही शुड डाई। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उसे याद दिलाओ, कहीं ऐसा न हो कि वो भूल जाए, रिमाइंड हिम लेस्ट ही शुड फॉरगेट, रिमाइंड हिम लेस्ट ही शुड
गेट वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, उससे मिलो कहीं ऐसा ना हो कि वो चला जाए. मीट हिम लेस्ट ही शुड गो, मीट हिम लेस्ट ही शुड गो. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. सच बोलो, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें सजा हो जाए. जल्दी से जल्दी मुझे आना है, जल्दी से जल्दी मुझे तुमसे मिलना है, जल्दी से जल्दी तुम्हें वहाँ पहुँचना है, जल्दी से जल्दी उसे मनाओ. इन जुमलों में हम कह रहे हैं जल्दी से जल्दी. इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में एज सून एज पॉसिबल. आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं. सेंटेंस प्लस एज सून एज पॉसिबल. सेंटेंस ये सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा. एज सून एज पॉसिबल वही के वही रहेगा, विच मीन जल्दी से जल्दी. पॉइंट नोट कीजिए कि एज सून एज पॉसिबल ये शुरू में भी यूज़ हो सकता है और सेंटेंस के एंड में भी यूज़ हो सकता है. अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं. जल्दी से जल्दी मुझे आना है, आई हैव टू कम एज सून एज पॉसिबल. I have to come as soon as possible. I ये subject pronoun है which mean मैं. Come ये V1 है यानी verb का first form है which mean आना. As soon as possible mean जल्दी से जल्दी. Next example for better understanding. जल्दी से जल्दी मुझे तुमसे मिलना है. I have to meet you as soon as possible. I have to meet you as soon as possible. Meet ये V1 है यानी first form है verb का which mean मिलना. You ये object pronoun है यहाँ. Next example for better understanding. जल्दी से जल्दी तुम्हें वहाँ पहुँचना चाहिए. You should reach there as soon as possible. You should reach there as soon as possible. You ये subject pronoun है जो second person के लिए use होता है which mean तुम. should ये modal auxiliary verb है which mean चाहिए जो advisability को show करता है. reach ये first form of verb है V1 है which mean पहुंचना. और there mean वहाँ. as soon as possible ये phrase है which mean जल्दी से जल्दी. next example for better understanding. जल्दी से जल्दी उसे बात करो. talk to her as soon as possible. talk to her as soon as possible. टॉक मीन बात करना. हर ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है विच फीमेल को रिप्रेजेंट करता है. मीन उसे. और एज सून एज पॉसिबल ये हमारा फ्रेज है जो वही का वही है विच मीन जल्दी से जल्दी. नेक्स्ट एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. जल्दी से जल्दी ये ख़त्म करो. फिनिश दिस एज सून एज पॉसिबल. Finish this as soon as possible. और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कॉन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना. जल्दी से जल्दी यहाँ आओ. जल्दी से जल्दी यहाँ आओ. सब्सक्राइब टू English PS फॉर मोर एडवांस English सेंटेंस स्ट्रक्चर. थैंक्स मैडम.